हेलो, मैं दिब्यन्दु मंडल सेफ स्टॉक्स ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट से बोल रहा हूँ। मैंने अगला वीडियो पे देखा था कुछ स्टॉक्स जो मेरा बाय सेल सिग्नल से मिल रहा है, तो मैंने अभी कमोडिटी आपको दिखाता हूँ। कमोडिटी ये लास्ट अपडेटेड हुआ था 5:30 के बाद, उसके बाद देखते हैं क्या क्या मिला है, कैसे मिला है। ये क्रूड ऑयल देखिए, इसका बाई लेवल था 4880 पे और सेल लेवल था 4840 के नीचे, तो देखते हैं इसको कैसे मूवमेंट हुआ है। क्रूड ऑयल में देखिए 4840 के नीचे ये 4737 लो बनाया और 4880 के ऊपर ये 4894 का हाई बनाया था। इसको आप नेचुरल गैस को देखिए, नेचुरल गैस में आप सेल बाई लेवल था 195 के ऊपर और सेल लेवल था 192, तो बाई लेवल पे ये नहीं गया था, 195 था, वो 194.70 गया था। सेल लेवल 192 से 191 तक आया था और इसमें निकेल का 985 था और 960 था, लेकिन निकेल 985 भी गया नहीं, 960 भी आया नहीं, वो रेंज बाउंड हो गया था। और एल्यूमिनियम देखते हैं 142.50 इसका बाई लेवल था, सेल लेवल था 139 पे, वो भी रेंज बाउंड था, वो भी नहीं आया। 142 के ऊपर बाई लेवल शायद, हाँ 142 के ऊपर 15 पैसा गया था, 142 के ऊपर। और सिल्वर देखते हैं, सिल्वर में अब 39320 में इसका बाई लेवल था और 39140 में सेल लेवल था, तो 39320 के ऊपर 39357 गया और 39125 आया था। इक्विटी में और भी देख लेता है एक बार, हेक्सा देखिए, हेक्सावर इसको हिंद पेट्रो का देखिए, हिंद पेट्रो का लेवल था 280 बाई लेवल और सेल लेवल 267.50, 280 और 267.50, तो 280 के ऊपर ये 282 तक गया और सेल लेवल इसका आया नहीं था। एक्सावायर पाँच सौ दस बाई लेवल था और 485 सेल लेवल था, तो 510 पे ये गया नहीं और 485 के नीचे ये 483.35 तक आया था।